आप नाराज हैं मुझसे? क्यों, मैंने क्या किया? मैंने तो कल आपसे सिर्फ इतना कहा था कि आप मुझे अच्छी लगती, मैं इतना भी नहीं कह सकता आपसे। बहुत जोर से थप्पड़ मारा था आपने, गांव के शरीर की बात ही कुछ और होती है, कितनी ताकत होती है शरीर में। जरूरत होती है तन की मन की, मैं अकेला हूं, मैं समझता हूं इस बात को। सुनी, एक मिनट, आप मारना चाहती हैं? हाथ छोड़ो, छोड़ दूंगा। आप मुझे मारना चाहती? मारी, कौन मारेगा, मैं इसी लायक हूं? छोड़ दीजिए, आप मुझे मारेंगे लेकिन मैं आपको प्यार करूंगा। छोड़ दीजिए ना मुझे, मैं छोड़ दूंगा। क्या कर रहे हैं आप? आपको अच्छा लगेगा। अरे तेरी आई ने ना वो मैसूर पाक ना बहुत अच्छा बनाया था। मैंने तुझे कहा था दू और ले ले, तू लेती नहीं। एक तो नहीं, बहुत हो गया था, बहुत पसंद आया। मैंने मेरे आई को भी कहा कि है ना तेरी आई बहुत अच्छा बनाती है। हाँ तू बना। क्या करी यहाँ पे? कौन है ये लोग? तुझसे कहा था ना 5 बजे तक घर चले जाना वापस, नहीं गए अभी तक। कौन है ये लोग? किसके से आवारा लड़कों के साथ खड़े रहने की या घूमने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी? तो मेरे साथ घर चलो अभी। ये मेरे भाई है, मेरे मामा के बेटे। जो कोई भी हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि ये लोग मेरी बहन के साथ खड़े हैं, यहाँ पे खड़े रहकर सिगरेट पी रहे हैं। तूने भी पी सिगरेट? नहीं ताई। और तुम मेघा, तुम्हारी संगत में रहकर ना मेरी बहन बिगड़ जाएगी। वो बहुत अच्छी लड़की है, उसे बिगाड़ने की ना कोशिश भी मत करना, समझी तुम? कौन है ये? वो इसकी बहन। छोड़ोगी नहीं मैं इसको? बात समझती ना खुद को, बात हवे में उड़ रही है। हिम्मत नहीं किसी की मेरे साथ ऐसे बात करने की, किसी की भी नहीं। देखती मैं इसको। अच्छा कल्याणी, देखो इस फिल्म की शूटिंग तो लगभग खत्म होने जा रही है, लेकिन एक और फिल्म है जो अगले हफ्ते शुरू होगी, तो उसमें तुम काम करोगी? हाँ कर लूंगी। ठीक है, पर सौरभ जी मेरा स्कोर उसका क्या होगा? अरे वो नरेश देख लेगा, चिंता मत करो। तुम्हारे स्कूल के हिसाब से ही शूटिंग रखी जाएगी ताकि तुम्हारी पढ़ाई खराब नहीं हो। ठीक है। एक बात बताओ, ये वही गांव है ना जहाँ पर वैनी अभी काम कर रही है? वो गोखले जी अंबर गांव ही बोला था। हाँ। सौरभ जी, कहीं आई यहाँ तो नहीं आ जाएगी ना? मतलब मुझे यहाँ पे देख तो नहीं लेगी ना आई? अरे नहीं, उनके पास इतना समय कहाँ होगा कि वो आके शूटिंग देखेंगी, घबरा मत। उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई तेरी तरफ आंख उठा के देखने की? चल अभी पुलिस के पास चल और शिकायत करते हैं। मैं तो उसकी हड्डी पसली कर दूंगी। जानकी ताई और साहब ने मुझे उस वक्त काम दिया जब मेरे पास कुछ नहीं था, उनका ये एहसान मैं नहीं भूल सकती। ऐसे समाज में संत महात्मा बनने का क्या फायदा? ऐसे लोगों को ना पता चलना चाहिए हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं। वो जानता है मैं क्या कर सकती हूँ। तो कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है ना मेघा? यहाँ क्यों लाई हो? रुको ना मेघा, क्या हो रहा है? क्यों समय बर्बाद कर रही हो मेरा? एक मिनट। हाँ क्या दिखाने लाई है तू इधर? एक मिनट मेघा, मेघा भी बहुत हो गया। अगर कुछ नहीं है यहाँ पे तो मैं और कित के घर जाऊँ। नहीं, 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 एक मिनट। वो देखो कल्याणी। कल्याणी आई, मैं शिवरी गई थी, वहां पे 2 विद्यार्थी हैं। शिंत्रे मैडम ने मुझे भेजा था उन्हें पढ़ाने के लिए और मैं उन्हीं को पढ़ाने गई थी आज। Thank you.